नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी टीवी में। और अभी की सबसे जो बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, उसके बारे में ही हम बात करेंगे कि आपके लिए एक बार फिर से प्रसार भारती ने ई ऑक्शन का ऐलान किया है। इस बार जो है दोस्तों 59 ई ऑक्शन का ऐलान हुआ है। अभी हाल ही में 58 ई ऑक्शन लगभग पूरी हो चुकी है और जिसमें जितने भी चैनल हमारे लिए स्लॉट जीते हैं उनके नाम हम आपको वीडियोस के माध्यम से पहले ही बता चुके हैं कि आखिर कितने कितने स्लॉट्स यहाँ पर जीत चुके हैं। और दोस्तों अब जो नाम सामने आया है दोस्तों 59 ई ऑक्शन का आया है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये जो प्रोरेटा बेसिस पर एक बार फिर से उसी महीने में ई ऑक्शन रखती गई है, उसका पीछे जो है वजह क्या है। ऐसा दोस्तों मुझे लगता नहीं कभी हमें देखने को मिला होगा कि एक ही महीने में हमारे लिए एक ही स्लॉट्स के लिए दो बार ये ऑप्शन रखी गई हो। जी हाँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रसार भारती को जो है उम्मीद नहीं थी कि बड़े जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इस बार स्लॉट जीत नहीं पाएंगे। जितने भी आपके लगभग देखे जाने वाले चैनल्स होते हैं, जैसे कि जी अनमोल, स्टार उत्सव, करज रिश्ते, सोनी पल, स्टार उत्सव मूवी, सोनी वाह, साधना टीवी, ऐसे बहुत से चैनल्स हैं दोस्तों जो कि इस बार डीडी फ्री डिश को अलविदा कहने जा रहे थे और डीडी फ्री डिश के पास अभी भी स्लॉट्स खाली बचे हुए थे। तो प्रसार भारती ने सोचा कि अगर ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं जो है हमारे जो रेवेन्यू हम जो हर साल कमाते आ रहे थे उसमें घाटा हो जाएगा, तो क्यों ना एक बार फिर से प्रोरेटा बेसिस पर ही ऑप्शन रख दे। अगर चैनल को लगा कि हाँ रिलाइज हुआ कि भाई यहाँ पर जो है हमें वापसी करनी चाहिए तो हो सकता है कि इस बार वापसी हो जाए। दोस्तों यहाँ पर जो खास कर आपके लिए 59 ई ऑक्शन रखी गई है वो इसलिए नहीं रखी गई है कि सभी चैनल्स को एक बार फिर से जो है ई ऑक्शन में भाग लेना होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर खासकर उन खालिस बचे स्लॉट्स के लिए इस ई ऑक्शन को रखा गया है, जो कि बाकी चैनल जो जीत हो चुके हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन जो चैनल जीत नहीं पाए हैं या कोई कारण की वजह से वो ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, तो इस बार दोस्तों को एक बार फिर से मौका दिया है 21 मार्च 2022 तक जो भी चैनल इंटरेस्टेड है वो एक बार फिर से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता है। अब यहाँ पर जो है कुछ नए चैनल्स भी होंगे, हो सकता है कि अभी जो था क्यों मराठी आपके लिए लॉन्च होने वाला था वो इस बार एक बार फिर से पार्टिसिपेट करके स्लॉट ले जाए, क्योंकि उसका टेस्ट सिग्नल ट्रांसमिशन भी शुरू हो चुका है। दूसरी ओर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जो भी देखे जाने वाले पेड चैनल्स हैं, जैसे कि स्टार उत्सव, सोनी पल, किलर्स रिश्ते, क्योंकि ये जो बेशक स्लॉट्स जीत नहीं पाए क्योंकि इनको ब्रॉडकास्टर्स का भी दबाव है जो कि फ्री टू एयर के हैं, इनका खुद का भी मन मर्जी था कि वह डीडी फ्री डिश से बाहर हो जाएगी। अगर ये डीडी फ्री डिश में बने रहे तो बाकी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स में जो इनके बाकी चैनल्स चल रहे हैं देखे जाने वाले उस पर असर पड़ जाएगा, इसलिए डीडी फ्री डिश को छोड़कर जा रहे थे। लेकिन प्रसार भारती को लगता है कि अगर ये चैनल्स चले गए तो जो रेवेन्यू शेयर इतना बड़ा मिलता था वो कहीं ना कहीं घट जाएगा, इसलिए प्रसार भारती ने एक बार फिर से विकल्प दे दिया है जो भी चैनल। जी हाँ, यहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया कि केवल हिंदी धारावाहिक का चैनल ही यहाँ पर आ सकता है, ऐसा नहीं है। जो भी चैनल है, किसी भी जनर का है, उसे मौका दिया है प्रसार भारती ने, सभी को इनवाइट कर लिया है। भक्ति का चैनल है वो आ जाए, भोजपुरी का चैनल है वो आ जाए, स्पोर्ट्स का चैनल है वो आ जाए, कोई भी आ जाए, हिंदी धारावाहिक का वो भी आ सकता है, फिल्मों का है तो वो भी आ सकता है, सबको खुली इजाजत दे दी गई है। जो इच्छा जता रहा है वो पार्टिसिपेट कर ले, स्लॉट ले जाए, हमारी उसे खुली छूट है। दोस्तों यहाँ पर जो अच्छी खासी बोली लगा जाएगा आखिर में भी वो स्लॉट ले जाएगा। अभी भी काफी चैनल्स के पास मौका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपके देखे जाने वाले चैनल्स है वो इस बार भाग जरूर लें और पार्टिसिपेट करके स्लॉट ले जाए। अगर इस बार भी स्लॉट नहीं ले जा पाए तो दोस्तों आपको एक अप्रैल से देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों यही थी कि जो चैनल आपके जीत चुके हैं वो तो आएंगे, बल्कि जो खाली स्लॉट्स रह गए हैं प्रसार भारती के उनको भरने के लिए एक बार फिर से उसी महीने में MPH2 ई ऑक्शन को जारी किया गया है, कंटिन्यू किया गया है और एक बार फिर से नए चैनल्स को मौका देने के लिए एप्लीकेशन को इनवाइट किया गया है। ये फैसला आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।